यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से पद्मावत की रिलीज को अब हरी झंडी मिल गई है। पद्मावत फिल्म पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला और सभी राज्यों में पद्मावत अब रिलीज हो सकेगी। सभी राज्यों में फिल्म पद्मावत रिलीज होगी। 25 जनवरी को यह फिल्म रिलीज होनी है। उससे पहले हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में पद्मावत पर बैन लगाया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फिल्म के रिलीज का रास्ता साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 का हवाला दिया है और साथ ही पद्मावत फिल्म पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सभी राज्यों में ये फिल्म अब रिलीज हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 का हवाला देते हुए पद्मावत की रिलीज का रास्ता अब साफ कर दिया है। 25 जनवरी को इस फिल्म को रिलीज होना है और उससे पहले एक के बाद एक राज्यों की ओर से इस फिल्म पर बैन लगाया जा रहा था, जिसके बाद फिल्म के निर्माता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और उसके बाद में अब इस फिल्म को हरी झंडी दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट से अब इस फिल्म की रिलीज का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि सभी राज्यों में ये फिल्म रिलीज होगी। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी अब ये फिल्म रिलीज हो सकेगी। इससे पहले प्रदेश सरकारों ने इस फिल्म के ऊपर बैन लगाया था, लेकिन अब इस फिल्म की रिलीज का रास्ता साफ हो गया है। फिल्म के निर्माता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे इस फिल्म की रिलीज के मामले को लेकर, जिस तरह से एक के बाद एक राज्य जो है इस फिल्म के ऊपर बैन लगा रहे थे, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे फिल्म के निर्माता और अब वहां से बड़ी राहत मिली है पद्मावत फिल्म के निर्माताओं को। साथ ही झटका मिला है सभी राज्यों को, 4 राज्यों को जिन्होंने इस फिल्म को बैन किया। अब सभी राज्यों में ये फिल्म रिलीज हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला दिया है। राज्यों का पर फिल्म बैन करने का जो फैसला है उसे असंवैधानिक बताया है। आर्टिकल 21 का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है और इसके साथ ही सभी राज्यों में अब पद्मावत फिल्म रिलीज हो सकेगी। इसका रास्ता साफ हो गया है। 4 राज्यों ने फिल्म पर बैन लगाया था फिल्म रिलीज को लेकर, लेकिन अब इस फिल्म के रिलीज का रास्ता साफ हो गया है और ये फिल्म अब 25 जनवरी को सभी राज्यों में रिलीज हो सकेगी। हालांकि इससे पहले हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात की ओर से फिल्म पर बैन लगाया गया था, जिससे अब सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। राज्यों का फिल्म पर बैन लगाना असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 का हवाला दिया है और साथ ही अब इस फिल्म के रिलीज का रास्ता भी इसके साथ ही साफ कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 का हवाला देते हुए इस फिल्म की रिलीज का रास्ता साफ कर दिया है। 25 जनवरी को अब ये फिल्म सभी जगह रिलीज हो सकेगी। जिन राज्यों ने इस फिल्म पर बैन लगाया था वहां से बैन अब हटा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। ज्यादा जानकारी लेंगे प्रकाश पीयूष, हमारे संवाददाता दिल्ली से फोन लाइन पर हैं। प्रकाश, सुप्रीम कोर्ट से निर्माताओं को बड़ी राहत है, तो जिन राज्यों ने इस फिल्म को बैन लगाया था उनको झटका लगा है अब? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो सेंसर बोर्ड है अगर उसको आपत्ति नहीं है तो फिर ये जो विरोध करने वाले उनको क्यों आपत्ति है। अगर देश में कोई सिस्टम है जहाँ पे आपत्ति नहीं दर्ज की जा रही है तो फिर ये बाकी लोगों को आपत्ति क्यों है। इसलिए उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई बैन नहीं होगा और जो लेखक और जो फिल्मकार की भावनाएं हैं अगर दर्शक तक पहुंचती है तो उसे पहुंचने दिया जाए। जी, अब साथ ही प्रकाश, सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये फैसला दिया, क्या कुछ इसके साथ में जो है तथ्य दिए गए सुप्रीम कोर्ट की ओर से, अगर कोर्ट का ऑर्डर आया है तो? अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है कि अगर फिल्मों में कोई आपत्तिजनक या किसी इतिहास से छेड़छाड़ रहे तो उसके लिए सेंसर बोर्ड बना हुआ है, उसमें कमेटी है और कमेटी अगर अप्रूवल दे देती है तो फिर किसी संगठन को उसको रोकने का अधिकार नहीं है। इसकी बात में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और फिल्म निर्माताओं को राहत दी है कि फिल्म पद्मावती का प्रदर्शन किया जाए और कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इसे नहीं रोक सकती है। इसके अलावा ये भी कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर का एक बहाना हो सकता है, लेकिन ये काम राज्य सरकार का है कि अगर फिल्म का प्रदर्शन हो रहा है तो उसको सुरक्षा दी जाए। जी, साथ ही आर्टिकल 21 का हवाला दिया गया प्रकाश सुप्रीम कोर्ट की ओर से। प्रकाश, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, बताइए प्रकाश। कहीं ना कहीं जिस तरह से राज्य सरकारों ने अगर कहीं के राजनीतिक फायदा अगर उठाने की उनकी ओर से प्रयास किया गया तो झटका लगा है अब राज्य सरकार जो इस फिल्म को लेकर अपना अपना स्टैंड जो है सभी राज्य सरकारों की ओर से लिया जा रहा था उसको बड़ा झटका है ये अब। हाँ बिल्कुल, सरकारों को झटका है और उन राज्य सरकारों को झटका है जो सेंसर बोर्ड के जो रूल्स है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लगता है राज्य सरकार को कि एक लॉ एंड ऑर्डर का बहाना हो सकता है। राजस्थान और बाकी दूसरे प्रदेशों में सरकारें जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर भड़क सकता है मामला,
जिस तरह से कुंवर वाहिनी या और राजपूत संगठन है जिस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट को एक झटका है और स्टेट गवर्नमेंट को के लिए निर्देश भी है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है मुद्दा उनका राज्य सरकार का मुद्दा है और जो फिल्म का प्रदर्शन अगर होता है तो वो लॉ एंड ऑर्डर की बहाली करना राज्य सरकार का काम है। रोकना चाहूंगी आपको, इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। जी अनिला जी, हरियाणा सरकार ने कल ही फैसला लिया था पद्मावत फिल्म को प्रदेश में बैन करने का, अब सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है प्रदेश सरकार को, फिल्म रिलीज होगी अब 25 जनवरी को। जी तो कैसे देखते हैं आप, पहले सरकार ने जो ऐसा फैसला लिया कि क्या अपना सेंसर बोर्ड बनाने की तैयारी थी प्रदेश सरकार की? नहीं देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, परंतु सुप्रीम कोर्ट जो है वो सर्वोपरि है और उन्होंने जो वर्डिक्ट दिया है उसको सभी प्रदेशों को मानना पड़ेगा, चाहे वो बीजेपी शासित हो या ना हो। जी तो उस पे तो कोई बहस का मुद्दा ही नहीं रह जाता। यानी कि अपना जो सेंसर बोर्ड बनाने की कोशिश की हरियाणा प्रदेश ने और साथ ही बाकी जो तीन राज्य हैं उन्होंने भी, अब वो सेंसर बोर्ड आप नहीं बना पाएंगे, इस किसी फिल्म को सर्टिफिकेट आप नहीं दे पाएंगे। अब देखिए, इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, मैं दोबारा वही बात कहूंगी जो मैंने पहली कही थी कि जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है वो सर्वोपरि है, वो सभी को मान्य है और मानना भी पड़ेगा। जी लेकिन अनिला जी, कितना सही मानती हैं आप, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में इस फिल्म को बैन किया गया, जब फिल्म देखी भी नहीं, सेंसर बोर्ड से इस फिल्म को पास कर दिया गया, उसके बावजूद हरियाणा प्रदेश में हरियाणा सरकार की ओर से इस फिल्म को बैन करने का फैसला लिया गया? देखिए, एक महिला होने के नाते हमेशा से मेरी ये अपेक्षा होती है, चाहे वो इतिहास के पन्नों में कोई महिला रही हो चाहे वर्तमान में रही हो, उसको उसको एक सम्मान मिलना चाहिए, उसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, उसको एक गलत रूप में नहीं दिखाना चाहिए। अब जो पिक्चर के प्रोड्यूसर हैं उन्होंने स्क्रीनिंग भी कराई है, राज परिवार को भी दिखा दी है ये पिक्चर, तो ये सिद्ध हो गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसके बावजूद जो है हरियाणा सरकार ने कल ही ये फैसला लिया इस फिल्म को बैन करने का, जब सेंसर बोर्ड इसको अनुमति दे चुका है और अभी फिल्म देखी भी नहीं है किसी ने। तो जी, अब मैं एक भाजपा प्रवक्ता होने के नाते इसका उत्तर दूंगी, जो कि मैंने पहले एक महिला होने के नाते दिया था, भाजपा प्रवक्ता होने के नाते मेरा उत्तर वही रहेगा कि इस देश का एक सिस्टम है, उसको सबको फॉलो करना पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट सबको मानना पड़ेगा, और चाहे वो हरियाणा की सरकार है और चाहे वो राजस्थान की सरकार है, जब वर्डिक्ट है तो लेकिन जो पहले आपकी सरकार डर रही थी कि अगर इस फिल्म को प्रदेश में रिलीज होने दिया तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो खराब हो सकती है, एक बार फिर से एक दाग जो है वो आपकी सरकार के ऊपर लग सकता है, पहले ही बड़ी किरकिरी हो चुकी है सरकार की, अब भी संभालना पड़ेगा आपको लॉ एंड ऑर्डर अगर सिचुएशन बिगड़ती है तो? देखिए, ऐसा है कि जो गवर्नमेंट का हेड होता है उसको हमेशा चिंता रहती है कि किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था जो है उससे प्रदेश की चरमराए नहीं, उसी को ध्यान में रखते हुए ये आदेश दिया गया था, परंतु अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है तो वो मानना पड़ेगा, आगे जैसा जो कुछ होगा वो देखा जाएगा। नहीं, अब प्रदेश की चिंता थी या कहीं ना कहीं ये चिंता थी कि एक बार फिर से जो है सरकार को शर्मिंदा होना पड़ेगा क्योंकि स्थिति अब संभाल नहीं पाते जब कानून व्यवस्था बिगड़ती है प्रदेश में? नहीं देखिए, ऐसी कोई बात नहीं होती है, जब कोई भी सत्ता में सरकार आती है वो अपने क्षेत्र को अनुशासन में रखने का प्रयास करती है, कुछ रख पाते हैं कुछ नहीं रख पाते हैं, परंतु जैसा मैंने कहा कि गवर्नमेंट हेड की जिम्मेवारी होती है कि अगर किसी विषय से देश उनके प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो चरमरा सकती है तो ऐसे ऑर्डर्स दिए जाते हैं। जी, कल कैबिनेट बैठक में जो फैसला लिया गया पद्मावत फिल्म को बैन करने का, कहीं ना कहीं सरकार की जो प्रायोरिटी है वो सेट करने में सरकार को जो है आसानी नहीं हो रही है, प्रायोरिटी पद्मावत को बैन करना था या प्रायोरिटी हरियाणा में जो कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, आए दिन रेप होने, वो प्रायोरिटी होनी चाहिए थी कल की कैबिनेट बैठक में? प्रायोरिटी केवल एक ही होनी चाहिए कि कानून व्यवस्था जो है प्रदेश की चुस्त दुरुस्त ढंग से चले, और वो किस प्रकार से चले, क्या चीज करनी चाहिए और क्या चीज नहीं करनी चाहिए, ये काम तो वहाँ के अधिकारियों का और जो। चलिए, बहुत शुक्रिया अनिला जी जुड़ने के लिए हमारे साथ। हमारे साथ इस वक्त फोनलाइन पर कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह फोनलाइन पर जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका अखिलेश जी खबरें अभी तक पर। शुक्रिया अखिलेश जी, हरियाणा प्रदेश हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, बीजेपी शासित राज्य है जिन्होंने पद्मावत फिल्म को बैन करने का फैसला लिया, सेंसर बोर्ड ने हालांकि इस फिल्म को रिलीज करने की अनुमति दे चुका था, उसके बाद ये सरकारें जो हैं
वो सेंसर बोर्ड के खिलाफ अपना एक सेंसर बोर्ड सेट करने में लगी हुई थी। ऐसे में अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा 25 जनवरी को सभी राज्यों में। क्या लगता है, बड़ा झटका सभी को लगा है? देखिए, जहां भी बीजेपी की सरकार है, कुछ सरकारों का आपने जिक्र किया, उसकी आज पहचान क्या है? अपराध और भय और बलात्कार, लूट खसोट। आप यही बीजेपी की सरकार की यही पहचान बन चुकी है। आप कश्मीर से लेकर के आसाम तक चले जाइए, दंगे होते हैं, कर्फ्यू होते हैं, रेप होते हैं, नेट बंद होता है, कंप्यूटर SMS बंद होता है, व्हाट्सएप बंद होता है, आगजनी होती है, सेना बुलाई जाती है, मिलिट्री फोर्स बुलाई जाती है। तो ये इन चीजों पर ध्यान नहीं देंगे वो। और दिल्ली की भी सरकार देखे, कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं देश में है, रोजी रोजगार से सीमा पे, चाइना के बॉर्डर पे, सब चीज उस पर नहीं बात होगी कभी जी। पतंग लड़ाएंगे, पेच लड़ाएंगे, यही सब करेंगे। डाइवर्जन है मूल समस्याओं से, दिल्ली हो या प्रदेश की बीजेपी की सरकार हो, मूल समस्याओं से जनता का ध्यान हटाने के लिए जो नॉन इश्यूज हैं उस पर ध्यान कंसंट्रेट करा दो, क्योंकि ये विफल है प्रशासन देने में, सुरक्षा देने में, कानून व्यवस्था बनाए रखने में, विकास करने में, ये बुरी तरह विफल है।